भारत माता की जय। भारत जब मैं इस ट्रॉफी को लेकर अपने घर आया हूँ ना, तो उससे 10 गुना खुशी हो रही है। तो आप सब लोगों के लिए जोरदार तालियां। ये मतलब ये आप लोगों की है, ये मैंने जीती, आप सबने जीती, आप सब लोगों का प्यार का नतीजा है जो मुझे ये मिला है। तो आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। मतलब जितना कहूँ उतना कम है, उतना ग्रेटफुल हूँ आप सब लोगों का प्यार मुझे मिला। सो थैंक यू, थैंक यू। और मैं संजय गुरु जी का और केशव जी का जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और मैडम नीलम जी का, उनका भी मैं बहुत, और संदीप गुप्ता जी का भी जी, तो उनका भी, और सभी मीडिया वालों ने अपने अपना टाइम निकाल के मेरे साथ मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। और इस पीछे जो ऑडियंस बैठी है सारी, इन सब का भी थैंक यू शुक्रिया। युवाओं का मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए, आप अपना जो प्रोफेशन करते हैं ठीक है, बट अपने पैशन को जरूर रखिए। बहुत स्कोप है। पहले मैंने ऐसा था कि खाली पढ़ाई होती थी, ऐसे ऐसे करके मतलब हम पढ़ाई में लगे थे, बट आज जो एरा है वो होलिस्टिकली डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो आप लोगों को अपना पैशन को फॉलो करना है, उसमें घुस जाना है बिना ये सोचे कि क्या होगा। तो प्लान भी रहते हैं कि जैसे मेरा था कि मेरे इंजीनियरिंग थी, तो ऐसे करके आप चलिए इस आर्ट में और घुसिए, और जरूर भगवान देखता है सबकी मेहनत बन जाती है आपकी बन पाई। ये श्रेय जो मैं लेता हूँ इस ट्रॉफी का, और जो मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, ये मेरे माँ बाप का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे आप सब लोगों के प्यार जो मिला, मेरे गुरु जी का सबसे बड़ी बात है, और मेरे फ्रेंड्स का है, मेरी बहन का है, मतलब आप सब लोगों का है जो यहाँ पर, आप सब का है। देखिए, हमारे यहाँ के एक युवा साथी, युवा बच्चे हमारे ने देश का नाम जो है रोशन किया है, और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और हमारे डुग्गर प्रदेश का नाम चिराग कोतवाल, जिन्होंने अभी हाल ही में जो सोनी टीवी का बहुत ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जो इंडियन आइडल जो 13 सीजन था, उसमें उन्होंने सेकंड रनर अप का मुकाम हासिल किया है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी वोटिंग उनके पक्ष में कम हुई, और हमें लगता था कि वो शायद प्रथम स्थान पर रहेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अंत तक संघर्ष करते हुए ये स्थान प्राप्त किया है। आज हम सभी तालाब तिलो वासियों ने जहां उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा है, वो अभी पहुंच रहे हैं। हम उनको आज उनकी बधाई, उनको बधाई भी देंगे, और आने वाले उनके एक कामयाब फ्यूचर के लिए उनको हम शुभकामनाएं भी देते हैं। हम अपनी सभी की तरफ से उनके परिवार को और जम्मू वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं।